आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अनेक भक्तों का यह निवेदन बारंबार आ रहा है कि अब आपका रामचरितमानस का प्रतिदिन एपिसोड नहीं आता, कभी 2 दिन बाद आता है, कभी 3 दिन बाद आता है। शुरू में तो आपके सुबह शाम दोनों आते थे, फिर एक नियमित रूप से आने लगा, और अब तो कबीर साहब का जो था कहत कबीर कबीर वह भी नहीं आ रहा। मन के सवाल भी बहुत कम आ रहे हैं, ध्यान विधि भी ना के बराबर हो गया है, तो आप जल्दी जल्दी वीडियो क्यों नहीं बनाते? अब आज रामचरितमानस से ही मैं बात शुरू करता हूँ कि हनुमान जी महाराज ने इतना काम दे रखा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब उनकी सरकार है और भैया उन्होंने मेरी पकड़ ली, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा काम करता है ना, उसका एक सबसे बड़ा दोष भी होता है कि उसी को काम के लिए पकड़ा जाता है कि नहीं नहीं इसको इसको काम दो, ये ठीक करता है। तो वही हनुमान जी को बस एक सूत्र मिल गया कि ये मेरा कोई काम मना नहीं करता, तो इसी को काम दिए जाओ दिए जाओ। अब वो देते जा रहे हैं काम लगातार, ये भी नहीं विचार करते कि मैं इसको थोड़ा आराम करने का भी तो समय दे दूं, बिल्कुल नहीं। अब ये रामचरितमानस, इसके आज 567 यानी 567 नंबर का एपिसोड अब रिकॉर्ड हो रहा है इस समय, और ऊपर से हनुमान जी ने वो आध्यात्मिक उपन्यास का 10वां खंड अभी पूरा हुआ है, पूरा होके वो गया हुआ है करेक्शन के लिए, क्योंकि टाइपिस्ट ने बहुत गलतियां कर दी थी, कंपोज़र ने, टाइपिस्ट ने नहीं। और अब 11वां खंड वो हमसे लिखवा रहे हैं, इसके बीच में रामचरितमानस भी देना है, क्योंकि भक्तों की निरंतर जो है ना ये प्रार्थनाएं आती हैं कि हमारा मन रोज़ प्यासा रह जाता है। तो हनुमान जी से हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि इन भक्तों के लिए हमें बस रामचरितमानस का समय दे दिया। और आजकल तो प्रसंग ही चल रहा है कि काकभूषण जी बता रहे हैं कि पिछले कल्प में जो कलयुग था उसमें क्या हो रहा था, और जो भक्त सुन रहे हैं इसे वे कह रहे हैं ये तो हमें आज की ही बात लगती है, पिछले कलयुग की कहाँ से है। अब पिछला कलयुग यानी कब? एक कल्पांत में जो हुआ, और वही सब कुछ आज भी दिखाई दे रहा है। तो इतने अनंत वर्षों बाद क्यों आज भी वही दिखाई दे रहा है, इस बात को समझिए। क्योंकि अनंत 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 काल तक ये जो मन है ना, ये मन नहीं बदलता, ये बात समझिए आप। मन एक ऐसी इंद्री है, बाकी 5ों इंद्रियां तो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ये मन की इंद्री जो है ना, ये ऐसी अदृश्य इंद्री है कि जो नष्ट होने का नाम नहीं लेती। कि जब तक मन है तब तक तन है, ये ध्यान रखिए। मन के कारण ही तन जन्म लेता है, यदि मन ना हो, अमन हो जाए, अमनी दशा हो जाए कि जब मन ही नहीं रहता, तो मन नहीं रहता तब मुक्ति होती है, तब मोक्ष होता है। लेकिन ये मन तो रहता ही रहता है, मन का नाश भला कौन कर सका है, विरले कर सके हैं विरले, और विरले तो विरले ही होते हैं। अब ये जो मन है ये अनंत 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 कालों से देह धारण करता रहा है, क्योंकि मन की जब तक इच्छा पूरी नहीं होती ना, तब तक वो मान के नहीं देता, बोला मुझे तो जब तक ये इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी मैं तो शरीर धारण करता रहूँगा। अब वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, मानकर चलिए वह इच्छा पूरी भी हो गई, मन ने एक इच्छा रखी और वह पूरी हो गई, उसके पूरी होते ही मन दूसरी इच्छा खड़ी कर लेता है, अंत थोड़ी ना इच्छाओं का। मन तो एक ऐसे पौधे के समान है कि जिसकी एक डंडी तोड़ दो तो वहां से 10 शाखाएं निकल आएंगी। आज उसी कलयुग की बात यहां बता रहे हैं काकभूषण जी पक्षीराज को। कवि वृंद उदार दुनी न सुने,
कहते हैं उस कलयुग में कैसा था पक्षीराज कि कवि वृंद कवियों के तो झुंड के झुंड थे। कवियों के माने क्या, प्रतिभावान व्यक्तियों के झुंड के झुंड थे। उदार दुनी ने सुनी, लेकिन उदार दानी कोई सुनाई नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था। अब इसे समझिए, थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन सरल करके समझाऊंगा, आज के संदर्भ में समझाऊंगा, उदाहरण के साथ समझाऊंगा, तत्काल बात भीतर उतर जाएगी, तत्काल ये पूरी बात भीतर उतर जाएगी। तो अब उसे समझने की यात्रा पर चलिए। क्या कह रहे हैं कवि वृंद, कवियों के झुंड के झुंड है। उदार दुनी ने सुनी, लेकिन उदार दानी हमें कहीं कोई दिखाई नहीं देता। प्राचीन काल में कैसा होता था कि जो कलाकार होते थे, अब वो कलाकार क्या करते थे, जैसे गीतकार है, गीत गा रहा है सारा दिन, काम धंधा कोई है नहीं, नौकरी कोई कर नहीं रहा। अब एक ब्राह्मण है वो ज्ञान अर्जन कर रहा है, जैसे सुदामा थे। कितने गरीब थे सुदामा, कितने गरीब थे। क्यों गरीब थे? क्योंकि ज्ञान की साधना में लगे हुए हैं, सरस्वती की साधना में लगे हुए हैं। तो प्राचीन काल में जैसे सुदामा जैसे जो लोग थे प्रतिभाशाली, उनको बहुत धनी सेठ या राजे महाराजे क्या करते थे, उनको उनकी एक वृत्ति बांध देते थे। वृत्ति माने सैलरी, वेतन। वे कहते थे भाई ये तो संगीतकार है, चित्रकार है, गायक है, या नृत्य करता है, इत्यादि कोई भी उसके पास कला थी, कि अब ये तो उस कला में ही डूबा रहता है, तो इस बेचारे का परिवार कैसे चलेगा। तो उसको वो एक वृत्ति बांधते थे, जिसको आज की भाषा में स्कॉलरशिप कहते हैं। अब बात आ रही है ना समझ, कि जो टैलेंटेड व्यक्ति हो उसको सरकार स्कॉलरशिप देती है कि ठीक है तू अपनी पढ़ाई लिखाई कर, हम तुझे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये तो सरकारी बात हो गई। लेकिन प्राचीन काल में राजा महाराजा या धनी लोग इस प्रकार से वृत्तियां दिया करते थे। तो काकभूषण जी कह रहे हैं प्रतिभाशाली तो लोग बहुत दिख रहे हैं, लेकिन उन प्रतिभाशाली लोगों का घर चलाने के लिए, उनकी दाल रोटी चलती रहे, जीवन यापन होता रहे, उसके लिए उदार लोग कहीं दिखाई नहीं देते। पैसा बहुत है, धनी बहुत है, पैसे वाले लोग की कमी नहीं है, लेकिन उदार हृदय वाले लोग वे दिखाई नहीं देते। अब ये उदार हृदय भी समझ लो, दानी और उदार हृदय, एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ, और ये सच्चा उदाहरण है प्राचीन काल का, कि एक सेठ जी थे, तो वो ऐसे ही प्रतिभाशाली लोगों को हर महीने कुछ न कुछ वेतन दिया करते थे। काम नहीं लेते थे उनसे, कि कोई चित्रकार है, कोई संगीतकार है, कोई कवि है, तो वो कहते थे कि भाई मेरे व्यापार में से इनको थोड़ा थोड़ा अंश दे दिया जाए, जिससे इनका परिवार का भरण पोषण होता रहे। तो वही में भी लिखा जाता था कि भाई उदाहरण के लिए आज 100 रुपये इस संगीतकार को दिए, 100 रुपये इस चित्रकार को दिए, 100 रुपये इस गायक को दिए, 100 रुपये कवि को दिए, इस तरह से एंट्री करनी होती है उसकी। तो एक दिन सेठ जी दुकान पर बैठे थे, अपना किसी और काम में थे, तो उनका लड़का एंट्री करवा रहा था। तो लड़के ने मुनीम से कहा कि इस पे लिखो कि 100 रुपये हमने इस संगीतकार को दिए। अब वो सेठ जी ने सुना, उनके कान खड़े हो गए। तो उन्होंने मुनीम से कहा रुको 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 ठहरो, अपने बेटे से कहा तू क्या लिखवा रहा है? वो बोला जी यही लिखवा रहा हूँ कि हमने 100 रुपये इस संगीतकार को दान में दिए। तो सेठ जी ने कहा नहीं, भाषा बदल इसकी, भाषा बदल। और क्या भाषा बदल? ये लिखवा कि इस संगीतकार ने हमसे 100 रुपये लेकर हमें अनुग्रहित किया, कि हम धन्य हुए कि इसने हमारे दिए रुपए ग्रहण किए। काकभूषण जी कह रहे हैं अब ऐसे दानी उदार लोग कहाँ दिखाई देते हैं, संवेदनशील लोग, जबकि प्रतिभाशाली लोगों के झुंड के झुंड हैं। लेकिन उस कलयुग में ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। आगे क्या कहते हैं, गुण दूषक ब्रात न कोप गुणे, कि गुणों में दोष देखने वाले तो ढेर लोग हैं, एक से बढ़कर एक लोग आपको मिल जाएंगे जो गुणवान लोगों के अंदर दोष खोजते हैं, लेकिन
गुणवान लोग नहीं मिलेंगे, गुणी लोग नहीं है वे, उनके पास स्वयं तो गुण है नहीं। अब जब स्वयं गुण नहीं है तो क्या है, जो गुणवान लोग हैं उन पर वो दोषारोपण करते हैं, उनमें दोष दिखाते हैं। अपने दोषों को छिपाने का या अपनी हीन भावना को, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनको छुपाने का एक बहुत बड़ा उपाय है कि यदि आप में कोई कमी है, आप में कोई गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो जिसके पास गुण है उसकी बुराई करते रहो, उसकी निंदा करते रहो। उससे एक तो आपको आत्मसंतोष मिलता है कि वो कोई खास बड़ा आदमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये क्या होता है, आपका अहंकार भी बढ़ता है। तो काकभूषणी जी कह रहे हैं कि क्या था कि गुण दोषा, गुणों में दोष निकालने वाले तो बेहिसाब लोग थे, लेकिन स्वयं गुणवान हो ऐसे लोग नहीं थे। अब इसे समझिए एक उदाहरण के द्वारा। एक चित्रकार, उसने चित्र बनाया, ये सच्ची घटना है। आज जो जी मैं बता रहा हूँ सारी, ये ओशो ने सुनाई थी सारी घटनाएं, और वो प्रमाणिक है कि वो सच्ची घटनाएं हैं। मैं उनका उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ। तो चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया और उस चित्र को लेकर चौराहे पर रख दिया, और चौराहे पर रखकर कहा कि इस चित्र में यदि किसी को कोई कमी दिखाई दे रही हो तो वह उसे बताए। अब जो भी आया, जिसे कोई समझ भी ना थी, उसने वहीं ब्रश रखा हुआ था और पेंट रखा हुआ था, तो रंग और कूची वहीं रखी थी। तो लोग आए, उन्होंने बताया यहाँ ये गलती है, और वहाँ उन्होंने कूची लगा दी, मार्क कर दिया ये जगह गलती है, क्योंकि चित्रकार ने कहा था जहाँ आपको कुछ गलती दिखाई दे वहाँ इस कूची से आप बता दीजिए। हर आदमी आया, हर राह चलता, जो भी आए वो ही कहे अच्छा भैया यहाँ ये गलती है, दोष निकाल। कुछ समझ नहीं अपनी, ढेले भर की समझ नहीं चित्रकारी की, और गलतियाँ निकालनी शुरू कर दी। जो आए वही ब्रश उठाए और बता दे यहाँ गलती है। सांझ होते होते वो चित्र दिखना बंद हो गया। जगह जगह लोगों ने इतने निशान लगा दिए थे करेक्शन करने के कि यहाँ संशोधन की आवश्यकता है, यहाँ आवश्यकता है। सब ने ब्रश लेके पेंट लगा दिया, और सांझ होते होते वो जो पेंटिंग थी उसके मुख पर कालिख पोत दी, दिखाई नहीं दिया, पता ही नहीं लग रहा था चित्र किसका है। अगले दिन फिर वह चित्रकार दोबारा आया और उसने हूबहू वैसा ही चित्र, उसने दो प्रतियां बनाई थी उसकी, वहीं चौराहे पर रख दिया, और साथ में ये लिखकर लगा दिया कि कल अनेक भले सज्जनों ने इस चित्र में अनेक दोष बताए थे, आज मैं उन सब से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर ब्रश और रंग दोनों रखे हैं, वे इसमें संशोधन कर दें, उस दोष को दूर कर दें जो उन्होंने कल बताया था। सांझ हुई, वह चित्र ज्यों का त्यों था, किसी ने भी ब्रश उठाकर संशोधन नहीं किया। और बात आई समझ में कि गुणवान लोगों में दोष निकालने वालों की तो भीड़ है, खुद लोगों में गुण नहीं है, खुद अवगुणी, और जो गुणवान होगा उसके अंदर वो दोष निकालते हैं। तो ऐसा इस कलयुग में सामान्य व्यवहार होता है। कली बार ही बार दुकाल पड़े, और कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, बार बार अकाल। अकाल का अर्थ वैसे तो यही माना जाता है कि जब वर्षा नहीं होती, खेती नहीं होती, लोग भूखों मरते हैं। अकाल का मतलब है जिसका काल ना हो, असमय। अकाल के अनेक अर्थ होते हैं, महामारी भी अकाल का ही रूप है, प्राकृतिक विपदाएं सब अकाल का रूप है। तो ये सब जो अकाल विपदाएं आ रही हैं इसके कारण लोग भूखे मरते हैं। अब जो युद्ध हुआ कहीं पर भी, तो युद्ध भी तो एक अकाल है, यानी युद्ध का काल नहीं था, आपसे घृणा और नफरत ने भर का युद्ध छेड़ दिया, दो देशों में युद्ध छिड़ा। अब जो देश पराजित हो रहा होता है उसके सारे नागरिक मारे मारे फिरते हैं, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, पलायन करते हैं, दूर दूर भागते हैं। आप सोचिए, अच्छा भला घर बसा हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सुबह दूध आ रहा है, सब ब्रेड टोस्ट खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, जूस पी रहा है, सब आनंदित हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं,
और अचानक पता लगता है वहाँ बमबारी शुरू हो गई, दूसरे देश ने बम बरसाने शुरू कर दिए। सेना कहती है कि इस पूरा शहर खाली कर दो, पूरा शहर खाली करना। लोग अपना सारा घर वैसा का वैसा छोड़कर सब चले जाते हैं और भूखे मरते हैं रास्ते में, मरना पड़ता है। तो ये है कि अकाल पड़ते हैं और लोग भूखे मरते हैं। बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, बिना अन्न के दुखी होकर सारे लोग मरने लगते हैं, मर जाते हैं। कितना कठिन होता है। घर पे तो हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट भी करते हैं, बैड टी भी लेते हैं, फिर लंच करते हैं, डिनर करते हैं, और दिन भर न जाने कितना कुछ अटरम शटरम खाने को मिलता है। लेकिन अचानक घर तबाह हो जाए और बेघर होकर भागना पड़े, तब भूखों मरने की नौबत आ जाती है। कोई कहीं पर कोई अन्न देकर राजी नहीं होता। तो कलयुग के अंदर ऐसी स्थितियां बहुत होती हैं, ये काकभूषणी बता रहे हैं। सुन खगेश, कह रहे हैं सुनो पक्षीराज सुनो। वो सोच में पड़ रहे हैं पक्षीराज सुन सुन के, थोड़ा भाई ऐसा कलयुग, ऐसा कलयुग। तो उनको चेताने के लिए काकभूषणी थोड़ा आवाज़ ऊंची करके कहते हैं, सुन खगेश, ये पक्षीराज कहाँ खो गए, सुनो बात, सुनो। कली इस कलयुग के अंदर कपट हठ धम्भ द्वेष पाषंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड। कहते हैं इस कलयुग में जानते हो क्या होता है, कपट हठ धम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि काम क्रोध लोभ मोह, ये सारी चीजें व्यापी रहे ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये सारी चीजें व्याप जाती हैं। अब इस व्याप जाने को समझिए क्या है। क्या कहा, कपट हठ मने जिद, दंभ अहंकार द्वेष और पाखंड, मान मोह मारादि माने काम वासना, और लोभ घृणा द्वेष, ये सारी चीज़ें व्याप रहे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सब व्याप जाते हैं। अब व्यापना अभी समझा देता हूँ आपको। महामारी आई अभी कोरोना की, वो व्याप गई थी पूरे संसार में। व्यापना माने छा जाना, कोई नहीं बचा इससे कोई भी। क्या इस महामारी ने, कोरोना के रोगाणु ने क्या ऐसा कहा कि भाई यह तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, यह तो बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा दान पुण्य करता है, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, ये पापी को पकड़ते हैं, अरे ये तो बहुत अमीर आदमी है, बहुत धनी आदमी है, भाई इसके पास तो बहुत धन है, चलो इसको छोड़ देते हैं। किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो व्यापी हुई थी, एटमॉस्फेयर में थी, सांसों में घुल गई थी, वो जो रोगाणु थे श्वासों के माध्यम से भीतर प्रवेश कर रहे थे, कौन बचेगा। तो इसी प्रकार से ये जो कपट के रोगाणु हैं, हठ के रोगाणु हैं, दंभ के रोगाणु हैं, क्रोध ईर्ष्या लोभ मद, इनके जो रोगाणु हैं ये व्यापे हुए हैं ब्रह्मांड में, सांसों के साथ अंदर जा रहे हैं। मुझे अनेक ईमानदार लोग मिलते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हम कोई माने नहीं करना चाहते, लेकिन सिस्टम में रहकर हमें मजबूर होकर विवश होकर बेईमानी के साथ लिप्त होना पड़ता है, हम चाहते नहीं, लेकिन हम ना लिप्त होंगे तो तत्काल सिस्टम हमें निकाल कर बाहर कर देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, तो क्या हमें पाप लगेगा। तो वे कहते हैं कि उस पाप का जो अन्न आता है हमारे पास या जो धन आता है पाप का, उसे हम इस्तेमाल नहीं करते, जो भी पाप के पैसे आते हैं सब बांट देते हैं, तो क्या हमें पाप लगेगा। ऐसे अनेक प्रश्न पूछते हैं, क्यों, क्योंकि व्याप रहे ब्रह्मांड। काकभूषणी जी कह रहे हैं कि ये सारे जो रोगाणु हैं कलयुग के अंदर पूरे ब्रह्मांड में ऐसे व्याप जाते हैं कि आप बच नहीं सकते। सांस तो लेंगे ना, तो सांसों में कपट खुला है, सांसों में छल खुला है, अहंकार घुला है, क्रोध घुला हुआ है, तो वो असर तो डालेगी चीज, तो वही हो रहा। तामस धर्म कर ही नर, तप जप व्रत मखदान। कहते हैं कलयुग के अंदर लोग
धर्म के काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये काकभूषणी बड़े व्यंग्यात्मक रूप से इस बात को बता रहे हैं, व्यंग्यात्मक रूप से, क्योंकि पूछा पक्षी राज ने, तो क्या कलयुग में धर्म लोग बिल्कुल नहीं करते? काकभूषणी कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कैसी बात है, नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। मैं बताता हूँ देखो कि लोग धर्म के काम कैसे कैसे करते हैं। जप करते हैं, जाप करने बैठे हुए हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, मख माने यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, सब करते हैं, लेकिन तामस धर्म, लेकिन तामसिक रूप से करते हैं, तामसिक भावना से करते हैं, तमस के साथ करते हैं। यदि वो कोई अनुष्ठान भी कर रहे हैं तो वो तामसिक करते हैं, जाप भी कर रहे हैं तो तामसिक जाप करते हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं तो किसी तमस की भावना से प्रेरित होकर यज्ञ करते हैं, कर रहे हैं धर्म के काम, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो तामसिक होती है, वो तामसिक होती है। किसी भी कार्य के पीछे जो उसका उद्देश्य है, जो उसकी भावना है, वही मुख्य चीज है, वही मुख्य चीज। देखो मार तो एक हत्यारा भी रहा है लोगों को लूटने के लिए, और मार एक सैनिक भी रहा है लोगों को। अब जो सीमा पर सैनिक है, वह अपने देश की रक्षा के लिए दूसरे देश के न जाने कितने कितने लोगों को मारता है, और मारता है तो उसको बड़े बड़े चक्र दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है। पूछो भाई तुमने तो मारा है, लेकिन यदि एक व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति मार दे तो मृत्यु दंड दिया जाता है। कितना भेद हो गया, देखो कार्य एक ही हुआ कि दूसरे को मारा गया। इधर एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मारा तो उसको मृत्यु दंड, उधर एक व्यक्ति ने हजारों लोगों को मारा तो उसे सम्मान दिया जाता है। क्यों? उद्देश्य, उद्देश्य। सैनिक का कोई स्वार्थ नहीं होता, सैनिक आत्मरक्षा में शत्रु को मार रहा है, देश की रक्षा में, अन्यथा शत्रु उसके देश में घुसकर उसके देशवासियों को मार देगा। तो उसका जो उद्देश्य है सैनिक का, वह बहुत ही विराट है, महान है। तो उद्देश्य, किस उद्देश्य से कार्य किया गया? एक व्यक्ति हमारे गुरुदेव के पास आया एक बार और पूछने लगा कि एक बात बताइए कि ये जो अनुष्ठान होते हैं, क्या उसके द्वारा किसी को मारा जाना संभव है? तो जो हिमालय के योगी थे उन्होंने पूछा कि तू पहले सच बता, ये जो तूने प्रश्न पूछा इसका सच बता। तो तत्काल वो टूट गया, तत्काल बोला मैंने किसी तांत्रिक से एक अनुष्ठान करवाया अपने किसी शत्रु को मरवाने के लिए। तांत्रिक ने कहा है तेरा काम हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा, उसने जो कीमत मांगी मैंने दे दी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा होता है? अब ये देखिए, ये जो अनुष्ठान किया, यज्ञ इत्यादि किया, हवन इत्यादि किया, किस लिए किया? तामसिक वृत्ति से, यानी ये जो कार्य किया, यज्ञ करना तो धार्मिक कार्य है, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या रहा? दूसरे को मरवाना। तो वो तामसिक प्रेरणा से प्रेरित होकर लोग इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, यदि करते भी हैं तो। दान भी कर रहे हैं तो उसके पीछे भी तामसिक वृत्ति है। क्या वृत्ति है दान करते समय? कि सब जगह हमारा नाम पढ़ा जाए, गुंजाया जाए, उसका डंका पिटे, लोग बताए कि देखो कितने बड़े बड़े दानी हैं। मैं एक सभा में गया था तो वहाँ पर एक व्यक्ति से लोग परिचय करवा रहे मेरा कि अरे 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 इनसे मिलिए आप, इनसे मिलिए। मैंने कहा भाई इतने उत्साहित और प्रफुल्लित होकर आप मिलवा रहे हैं तो इनकी विशेषता क्या है? तो इन्होंने बताया कि अमुक सेलिब्रिटी, एक धर्म गुरु को इन्होंने अपना करोड़ों रुपए का फार्म हाउस दे दिया, और वो जिस जिससे भी मिलवा रहे हैं उनको यही बता रहे कि एक सेलिब्रिटी को इन्होंने अपना करोड़ों रुपये का फार्म हाउस दे दिया। तो हर जगह यही गाना गाया जाता रहा, वे प्रसिद्ध ही इसीलिए हो रहे हैं हर जगह जहाँ भी उनका ये परिचय दिया जाता है कि उन्होंने अपना करोड़ों रुपए का फार्म हाउस यूं ही एक धर्म गुरु को दे दिया।
और वो भी सेलिब्रिटी को, वो भी सेलिब्रिटी को। तो ये क्या है, ये जो दान दिया ये तामसिक वृत्ति से दिया। इसी को तो उन्होंने कहा है, तामस धर्म कर ये नर जब तप व्रत मख दान। ये सारी चीजें वो कर रहे हैं लेकिन तामसिक वृत्ति से। देव ने वर्ष ही धरनी भय ने जाम ही धान। कहते हैं कि इंद्र अब वर्षा समय से नहीं करते और उसके कारण भय ने जाम ही धान, धान जो है ना वो जमते नहीं है, अंकुरित नहीं होते। प्राचीन काल में क्या होता था, धान को बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। किसान इधर धान बोते थे और देवराज इंद्र वर्षा आरंभ कर देते थे। वो देख लेते थे, जैसे देख ही रहे हो बैठे हुए कि अच्छा भैया बेटा तू बो और मैं वर्षा करता हूँ, अभी करता हूँ, क्योंकि प्रकृति इतनी अनुकूल थी, समय से सब काम होते थे। पता था किसानों को बारिश आनी ही आनी है, समय बंधा हुआ है, इस समय पे बारिश आएगी ही आएगी। जैसे हमें सबको पता है कि इतने बजे भगवान सूर्य उदित होंगे ही होंगे, उन्होंने अपना समय अभी तक नहीं गड़बड़ाया है, क्योंकि वो गड़बड़ा देंगे ना सब कुछ गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। तो ये जो देवराज इंद्र हैं ये तो गड़बड़ा चुके, तो कहते हैं वो वर्षा ही नहीं करते हैं, वो भी सोए पड़े हैं अपना, कलयुग है वो भी मस्ती में अपना देख रहे हैं नाच गाना अप्सराओं को, पता ही नहीं कि भैया बरसना है वहाँ जाके, भेजो जरा बादलों को। वो जो बादल हैं वो भी अपना अप्सराओं का नाच गाना देख रहे हैं कि आ हा हा क्या नृत्य हो रहा है। वो भूल ही गए कि धरती पर किसानों ने धान बो दिया है, वहाँ जाकर बरसना है। और ना इंद्र उन पर बरस रहे बादलों पर कि भैया जाओ धरती पर बरसो, किसी को परवाह ही नहीं है, सिस्टम ही सारा करप्ट हो गया है पूरा सिस्टम। तो कह रहे हैं कि जो धान हैं वो जमते नहीं क्योंकि ऋतु चक्र बिगड़ गया है। अबला कच्छ भूषण भूरी छुदा, कह रहे हैं जो स्त्रियां हैं ना उनके आभूषण के नाम पर सिर्फ उनके बाल रह गए। अर्थात क्या कि बालों के अतिरिक्त यानी अपने शरीर को ढकने के लिए उनके पास कोई और आभूषण नहीं है। वो बाल से ही जितना शरीर को ढक सकती हैं ढकती हैं, बाकी सारा शरीर उघाड़ा ही रहता है। ये जो इतने आभूषण प्राचीन काल में पहने जाते थे, वस्त्राभूषण जो शब्द है साथ जुड़ता है वस्त्राभूषण के, वस्त्र तथा आभूषण कि वस्त्र भी आभूषण ही होते थे। शरीर को इतना ढक दिया जाता था आभूषणों से और वस्त्रों से कि उनके भीतर से कहीं पर भी किसी भी अंग की कोई कांति नहीं झांकती थी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं काकभूषण जी कि स्त्रियों के सिर्फ बाल ही उनके वस्त्र रह गए हैं और भूरी शुदा, और स्त्रियां भूखी रहती हैं सदा। भूखी रहती हैं अर्थात क्या कि सदा वे अतृप्त ही रहती हैं, तृप्त नहीं होती कभी। धनहीन दुखी ममता बहुधा, और ये स्त्रियां सदा गरीब रहती हैं, सदा गरीब रहती हैं और बहुत दुखी रहती हैं। क्यों? क्योंकि ममता बहुधा, उनके अंदर बहुत सारी ममता है। अब यहाँ ममता का अर्थ समझो क्या है, ये माँ वाली ममता नहीं है यहाँ पर। ममता माने वासनाएं इच्छाएं, कि स्त्रियों की इतनी अधिक इच्छाएं हैं, इतनी अधिक इच्छाएं हैं कि उन इच्छाओं के पूरा ना होने के कारण वो सदा गरीब रहती है, सदा गरीब और दुखी रहती हैं। इसे एक उदाहरण से समझ लीजिए, वैसे नहीं समझ में आएगी बात। एक मित्र मुझसे बोले कि मेरा तो जीवन नरक हो गया है। मैंने कहा क्यों भाई, कारण बताओ क्यों नरक हो गया है। कहता पत्नी ऐसी मिली है कि मैं अगर 100 रुपये कमा कर लाता हूँ तो वो 110 खर्च कर देती है, 110, और उसके बाद दुखी रहती है, मुझे कोसती है कि कैसे गरीब आदमी से पाला पड़ा, कैसे निकम्मे से पाला पड़ा, कहीं और ब्याही गई होती तो राज करती। तो बोले मैंने तो हाथ जोड़ के कह दिया कि तू मेरा पिंड छोड़, तू अपना दूसरा ब्याह रच ले जहाँ तेरे को ज़्यादा मिलता हो। कहते मेरा जीवन नरक कर दिया है, पहले से उसके पास वस्त्र हैं सब कुछ है, फिर और खरीदेगी और खरीदेगी और खरीदेगी, आभूषण खरीदेगी, और आभूषण भी ये नहीं कि सोने के खरीद ले कि चलो बचा रहे, नकली आभूषण खरीदती है। पैसा इतना एक जोड़ी दो जोड़ी जूते चप्पल रख ले, वो हर अपनी ड्रेस से मैचिंग करता उसको चप्पल चाहिए,
हर चीज़। तो कहता है कि 100 रुपये मेरी कमाई हो और अब तो वो 150 रुपये खर्च करने लगी, मैं कहाँ से लाऊँ। खुद भी दुखी रहती है, मुझे भी दुखी रखती है। तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि ऐसी स्त्रियां जिनमें बहुत अधिक ममता है, ममता माने इच्छाएं, बहुत इच्छाएं हैं, वो सदा दुखी रहती हैं और गरीब रहती हैं। सुख चाही ही मूढ़ ने धर्म रता, वे ऐसी मूढ़ हैं कि वे सुख नहीं चाहती कि उनका जीवन सुखी हो जाए। सुख चाही ही मूढ़ ने धर्म रता, धर्म में रत नहीं होती वो। सुख चाहिए, हर समय सुविधाएं चाहते हैं, सुख सुविधाएं, पैसा ही पैसा मिलता रहे, लेकिन धर्म में अपने मन को नहीं लगाती। मति थोड़ी, उनकी बुद्धि थोड़ी है, कम मति की है, कठोर। और उस पर मति कैसी है, कठोर न कोमलता, बिल्कुल भी कोमलता उनकी बुद्धि में नहीं है। अब सोचिए, किसी स्त्री का पति 100 रुपये कमा कर लाता हो और वो 150 रुपये खर्चे, तो क्या उसकी मति को थोड़ी नहीं कहेंगे कि कम बुद्धि वाली है, कठोर है, ममता जरा सी भी नहीं, कोमलता जरा सी भी नहीं, कहीं भी कोमल नहीं। कोमलता हो तो सोचे कि मेरा पति 100 रुपये कमा कर ला रहा है, मैं 75 खर्च कर दूं, 25 बचा लूं, थोड़ा कम में गुजारा कर लूं। तो मन कोमल होगा तो दया आएगी अपने पति पर भी, कि सुबह से सांझ तक मारा मारा फिरता है तब कमा कर लाता है, तो थोड़ी बचत करूँ। तो ना, कठोर हैं, कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग ने भोग कहीं, और नर मनुष्यों की बात कर लो, मनुष्य में सभी आ गए। नर का मतलब पुरुष मत समझ लीजिएगा, सब उसमें आ जाते हैं। कि नर पीड़ित रोग ने भोग कहीं, सारे मनुष्य रोग से पीड़ित हैं, न भोग कहीं, भोग तो कहीं है ही नहीं। अब इसे भी समझ लीजिए, इसका क्या मतलब हुआ कि भोग न कहें। भोग मतलब होता है वस्तुओं को भोगना, सुख प्राप्त करना। अनेक धनी व्यक्ति आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे, बहुत पैसा है, बहुत पैसा, उन्हें कोई चीज़ खिलाओ, बोले ना 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 हटा लो, मीठा है नहीं खाएंगे। तो अच्छा जी ये खा लो, ये क्या है, नमकीन, नहीं हमारा नमक बंद है, नमक नहीं खाएंगे। तो अच्छा ये खा लो पराठा, हमारा तेल बंद है, पराठा तो हम खाएंगे नहीं। अच्छा चलो कढ़ी चावल खा लो, नहीं नहीं चावल तो डॉक्टर ने मना किए हैं। अच्छा दही खा लो, नहीं दही तो बिल्कुल मना है हमें। तो भैया फिर तुम्हें क्या मना नहीं है ये बता दो। वो कहते हैं हम गोलियां खाते हैं, डब्बा निकालेंगे, ये विटामिन इसकी गोली, ये इसकी गोली, ये इस ताकत की गोली, ये इसकी गोली, कि डॉक्टर ने सब चीज़ें खाने को मना कर दी है, बस गोलियां खा सकते हो। तो उसी को काकभुशंडी कह रहे हैं, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, सारे मनुष्य रोग से पीड़ित हैं, भोग तो वो कर ही नहीं रहे। पूछो अरबों रुपए तुम्हारे पास है, अरे अरबों रुपए है, दूध जलेबी खाओ हैं, बादाम घोट घोट के पियो, बर्फी खाओ, रसगुल्ले खाओ, कितने सारे आलू की टिक्की खाओ, आलू की चाट खाओ, अरे कितनी सारी शानदार चीजें हैं भाई, गोलगप्पे खाओ, दिन भर चाट पकौड़ी उड़ाओ, अरबों रुपया ये तो कुछ में भी नहीं आ जाएंगे। एक इंसान अगर खाना चाहे तो 500 रुपये का सामान भी नहीं खा सकता, 500 रुपये की दूध जलेबी जरा खा के देखो, नहीं खा पाओगे। तो चलो टुकड़े टुकड़े में करके बाकी सब चीज़ें खा लो, इतनी सारी मैंने गिनाई। जो अरबपति है उसके लिए 500 रुपये तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो नहीं, वो 5-स्टार होटल में जाके एक चाय पिएगा। मैंने देखा, वो बोला चाय लाओ और सुनो दूध बिल्कुल मत डालना, ब्लैक टी, और चीनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसने काला पानी लाकर रख दिया और उसे वो चुस्कियाँ ले लेकर आराम से पी रहा है। पूछो भैया ये तत्ता पानी, तू 1000 रुपये इसके दे रहा है, सिर्फ कुछ नहीं चाय की पत्ती डाली हुई कि ब्लैक टी, सिर्फ ब्लैक टी। तो दूध पी ले ना, कैसे पी ले, मना कर रखा है डॉक्टर ने, साफ मना कर रखा है दूध नहीं पीना। अनेक लोगों को मैंने देखा कहते डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है दूध तो बिल्कुल नहीं पीना, और पीना है तो डबल टोंड पीना है, बिल्कुल जो बिल्कुल पानी के तरह इसमें फैट ज़ीरो हो, ज़ीरो से भी ज़ीरो हो वो पीना है। तो कहते हमने झंडा ही ख़त्म कर दिया, हमने दूध ही पीना बंद कर दिया।
तो आप बताइए ऐसे पैसे का क्या फायदा, किस काम का ये पैसा? पैसा आदमी किस लिए लेता है? कि अच्छे से खा पी सके, वो खा ही नहीं सक रहा है। ऐसा धन दो कौड़ी का कि आप कुछ खा पी ना सके उस पैसे से, उस पैसे का भोग ना कर सके, भोग ही नहीं पा रहे हैं आप पैसे। ये कोई भोग थोड़े ना कि आपने 4 करोड़ की कार ले ली, ये कोई भोग नहीं है। भैंसा गाड़ी में लेट के जाओ कितना मजा आएगा, कभी लेट के देखें भैंसा गाड़ी में? मैं बहुत लेटा हूँ। और भैंसे के पास अपना रिमोट कंट्रोल होता है, कोई उसके पास गूगल का मैप नहीं होता, कोई लोकेशन नहीं होती गूगल की। बचपन में मैं लेट जाता था, मेरे मामा का लड़का बुग्गी चलाता था, बुग्गी कहते भैंसा गाड़ी को, और वो भी सो जाता था, हम भी सो जाते थे। और वो भैंसा क्या कमाल का भैंसा था, हम तो बुग्गी में लेटे लेटे उस भैंसा गाड़ी में लेटे लेटे पत्ते देखा करते थे पेड़ों के, लेटे हुए बड़ा मज़ा आता था, बड़ा मज़ा आता। तो मैंने पूछा था उससे शुरू शुरू में, मैंने कहा भाई तू भी लेट गया, मैं भी लेट गया, ये भैंसे को चलाएगा कौन? वो बोला हम थोड़ी ना चला रहे हैं, खुद चल रहा है। तो मैंने कहा आगे कोई बस वाला आ जाए, कोई साइकिल वाला आ जाए, तांगे वाला आ जाए। बोला ये खुद समझदार है, खुद ले जाएगा। और बड़ा गजब के भैंसे घर पे ले जाकर ही पूरी गाड़ी को खड़ा करते थे, जैसे गैराज में लाके कोई गाड़ी खड़ा करते। क्या लोकेशन थी उनकी, एग्जैक्ट वहीं जाके खड़ा होता था एग्जैक्ट। तो जब कुछ खाना पीना ही नहीं तो करोड़ों की गाड़ी क्या करना घूम के, बैलगाड़ी लो आराम से घूमो, चलान भी नहीं होगा, लाल बत्ती टाप जाओ चाहे कुछ टाप जाओ, नो पार्किंग में खड़ा कर दो, कोई बैलगाड़ी का चलान नहीं करेगा ना भैंसा गाड़ी का। और करने आए तो भैंसे को कह दो कि भैया जरा साइन कर दे इस पर सिपाही साहब की, सिपाही साहब भी भाग लेंगे, कोई पर्ची वर्ची नहीं काटेगा भैंसा गाड़ी की। तो ये कह रहे नर पीड़ित रोग ने भोग कहीं अभिमान विरोध अकारण ही। और क्या हो गया कलयुग में कि अभिमान और विरोध अकारण होने लगा, बिना किसी कारण के, कोई मतलब नहीं तुम्हारा किसी का किसी के साथ, कोई मतलब नहीं। और अकारण लोग विरोध करते हैं, द्वेष करते हैं, बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब के, उनका कोई लेना देना नहीं। इसे कहते हैं अकारण द्वेष, वो इसके लिए सही शब्द है। लोग अकारण द्वेष करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि लोग आपकी अच्छाइयों के चलते आपसे नफरत करते हैं, आपसे द्वेष करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप इतने अच्छे क्यों हैं? अच्छाइयों के चलते लोग आपसे द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत ने नास गुमान असा। ये बात अब जो यहां आई है ना, जानते सभी हैं लेकिन समझते सभी नहीं है। क्या बात आई है? लघु जीवन संबत पंचदशा, कि ये जो आपको जीवन मिला है ना थोड़ा सा, काकभूषण जी कह रहे हैं ये वो 5-10 साल का जीवन है, 5-10 साल का जो मिला हुआ है। और लेकिन कल्पांत ने नास गुमान असा, लेकिन लोग ऐसा गुमान करते हैं, ऐसा गुमान, गुमान माने अहंकार, अपने इस 5-10 साल के लिए जो शरीर मिला कि थोड़ा भाई मेला ठेला देखा हो धरती पर, विधाता ने एक टिकट काट के दिया, वीज़ा काट के दिया और एक नई ड्रेस दे दी, उस ड्रेस का नाम रखा मनुष्य, कोई स्त्री या पुरुष कुछ भी दे दो, और उस मनुष्य से कहा जा भाई जरा 8-10 साल के लिए धरती पर घूम फिर के आ जा, तेरा टूरिस्ट वीज़ा लगवा रहा हूँ धरती का, जन्म दे दिया धरती पर। यहाँ अलग तरह से लैंड होती है, फ्लाइट माँ के गर्भ में जाती है पहले, फर्स्ट लैंड वहाँ होता है, और उसके बाद बाहर डिलीवरी होती है तो वो रनवे होता है वहाँ पर आता है, फिर अंदर घुसता है संसार में। तो विधाता क्या करते हैं 8-10 साल के लिए यहाँ भेजते हैं कि जाओ घूम फिराओ धरती को, थोड़ा मौज मस्ती कराओ, देखाओ नज़ारा। तो आदमी यहाँ आता है और उसके बाद व्यवहार कैसे करता है, अहंकार कैसे करता है, कि जैसे कल्पांत ने नास गुमान असा, ऐसा गुमान करता है जैसे कल्पांत तक भी उसका नाश नहीं होगा,
यानी करोड़ों अरबों साल बीत जाएंगे लेकिन फिर भी वो इस धरती पर रहेगा, ऐसा गुमान उसके अंदर होता है, ऐसा अहंकार, ऐसा नशा, ऐसा मत, ऐसा मत। अनेक तानाशाह राजाओं को देखा गया, कोई उनसे पूछे कि तुम्हें कितने साल जीना है, ये जो तुमने पूरी दुनिया के लोगों को मार मार कर इतनी दौलत बटोरी, इतनी हिंसा की, भोग तो तुम उसे पाए नहीं, पूरा जीवन तुमने युद्धों में खपा दिया, जीवन जी तो तुम पाए नहीं, और गुमान ऐसा कर रहे हो कि जैसे तुम्हें कल्पांत तक यानी कल्पों के अंत तक जीना हो, ऐसा गुमान, ऐसा नशा। तो ये मनुष्य की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है काकभूषणी जी ने कि जो क्षणभंगुर है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, पानी केरा बुद बुदा असमानुष की जात, कबीर साहब का है, जयशंकर प्रसाद का नहीं। पानी केरा बुद बुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभाव। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा किसका है, पर मुझे पंक्तियां याद थी, तो इसके लिए मैं इस समय बहुत भ्रमित हूं कि किसकी पंक्ति है ये। लेकिन पंक्ति क्या है कि पानी केरा बुद बुदा, कि जो मनुष्य का शरीर है ना, ये पानी के बुलबुले के समान है। असमानुष की जात, इस मनुष्य की जो जात है ना, वो पानी के बुलबुले के समान है। देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, ये ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही छिप जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होने पर ये जो तारा है ये कहीं दिखाई नहीं देता। रात को तारा कितना दिखाई देता है, लेकिन सूर्य के उदय होने पर सब गायब हो जाते हैं। तो कहते हैं ये इसी तरह से क्षणभंगुर है, लेकिन गुमान कैसा, जैसे प्रलय तक अंत नहीं होगा, ऐसा गुमान। अब ये सारा खेल अहंकार का काकभूषणी जी दिखा रहे हैं। पग पग पर, श्वास श्वास पर अहंकार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जितने भी मनोविकार है ना, देखिए, यानी मन के विकार, मन की बुराइयां, उन सब का जो शिरोमणि है ना, जो उनका राजा है, उनका जो जन्मदाता है, वह है अहंकार। अहंकार है मूल, और उसके बाद जितना भी है ये ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ, काम, मद, ये सारी उसकी शाखाएं हैं। जो जड़ है ना, जड़ का नाम है अहंकार, बाकी तो सारा वृक्ष है। जितनी बुराइयां हैं, जितने पत्ते हैं, टहनियां हैं, ये सब बाकी है पसारा, लेकिन मूल जो है, जो जड़ है, जो रूट्स हैं, वो है अहंकार। तो सबसे बड़ा जो विकार है वो अहंकार है। उसी अहंकार की बात आज काकभूषणी जी ने की है, पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे। तो आपको ना इस विषय में सोचना है, ना ज़्यादा अपने दिमाग को लगाना है। एपिसोड देख लिया, बात समाप्त हुई। अब देखो किस पर गुस्सा करना है, किसको धमकाना है, किसको बताना है कि जानता नहीं तू मैं कौन हूँ। अब इस पर विचार करो। अब अपने अहंकार को पोषण दें सभी, और अहंकार के पोषण के साथ ये देखें कि आपको तो कल्पांत तक जीना है, करोड़ों वर्ष जीना है, तो इसलिए लगाएं, धमकाएं, डराएं लोगों को, अपने अहंकार को और ऊंचा करें। राम राम। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सदगुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।